जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर यमुनानगर में सैकड़ों युवाओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। लोगों ने सरकार के इस फैसले का ढोल बजाकर स्वागत किया। भिवानी में भी बीजेपी समर्थकों ने धारा 370 हटाए जाने पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। जिंद में 46 दिनों से अनशन पर बैठे लोगों का राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। गांव के लोग पानी की समस्या को लेकर अनशन कर रहे थे। करनाल में भारतीय मजदूर संघ और हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ ने लघु सचिवालय के सामने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंचकुला में भवन निर्माण कामगार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और श्रम कल्याण बोर्ड का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं भी मौजूद रहीं। सोनीपत के गन्नौर में तेज रफ्तार ऑटो ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में लगी है। टोहाना में कुछ बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी और फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झज्जर में कैंटर की चपेट में आने से बाइक सवार दो छात्रों की मौत हो गई। वहीं भाग रहे कैंटर चालक को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अम्बाला में नाग पंचमी के अवसर पर लोगों ने नाग को दूध पिलाकर पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी। भिवानी में भी लोग नाग पंचमी के अवसर पर मंदिर पहुंचे और विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की।